अब देखिएगा, यहाँ एक भाई साहब है, उनका मन में यह सवाल है, बड़ा बड़ा कंफ्यूज है। वो बोल रहे कि मैं तो नया विश्वासी हूँ, अब मैं एक मसीही लड़की से शादी करने वाला हूँ, बात भी हो गया है, तो मुझे किस तरह से तैयारी करना चाहिए? हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैरिज, शादी के लिए कैसे तैयारी करे? ठीक है, सो शादी के लिए तैयारी से रिलेटेड कुछ बातें। नंबर वन, अगर आप एक नए विश्वासी है ना, तो आपका बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो 5-6 साल हो गया है लेकिन अभी भी बैप्टिज्म नहीं लिया, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बपतिस्मा परमेश्वर का आज्ञा है और यह एक गवाही है। आप जिस कलीसिया में जाते हैं वहां पर पास्टर से बात करके बैप्टिज्म लीजिए, और पास्टर से रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज हो सके तो मुझे बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट दे दीजिए। किसी किसी स्टेट में जहां पर बपतिस्मा लेना बड़ा मुश्किल है या फिर सर्टिफिकेट देना मुश्किल है, तो वैसे जगह में कुछ उपाय कीजिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमें फोन कीजिएगा। तो ये सर्टिफिकेट आप ले लिए। दूसरा, चर्च का सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ चर्च, आप जो चर्च में जाते हैं ना उस चर्च का मेंबर है कि नहीं है, ये जरूरी है। तो होता क्या है कि चर्च का पादरी, चर्च का पास्टर जो है लिख के देता है कि हमारा कलीसिया का सदस्य है, और दूसरा जहां लड़की जिस कलीसिया की सदस्य वहां के भी लिख के देते हैं, तब दोनों एग्री करते हैं पास्टर लोग, और तब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप का वो होता है। ओके, तो जब आप शादी करने वाले हैं, सारा बातचीत हो रहा है, तो आप अपना पास्टर को जरूर बताइएगा, ठीक है? और आपको ना शादी का पहले से ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है। एक चीज है, बोलिएगा। ज्यादा कोशिश करिए कितना बजट बना के ही आप काम कर रहे हैं, अदरवाइज आपका घर में थोड़ा बहुत आप कमा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही आप सेविंग करना बहुत अच्छा हैबिट है। मेरा शादी में तो मैं कोशिश किया, मैं कोई डाउरी उरी नहीं देना चाहते थे, बट कितना भी घर का चीज है मैं काम करते हुए धीरे धीरे सेविंग करते गए था। सो पेरेंट्स का डिपेंडेंसी तो नहीं हुआ, बट ये करिए आप ज्यादा खर्चा नहीं करना है, शो अप नहीं करना है। हम लोग हरियाणा में थे तो वहां पर असल में अगर देखेंगे तो 30-35 आइटम होता था खाने का, और शादी का पंडाल और डीजे में बहुत खर्चा होता था, 10 लाख 20 लाख ऐसा बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तो ये एक तरह का शो ऑफ है, मतलब दिखावा है कि हम इतने अमीर है, शादी जिंदगी में एक ही बार आता है, बढ़िया से करे, और लोग पैसा उड़ाते हैं। ये एक्चुअली में कुरीति है समाज का, हमें इसे समझना है। तो हम कम पैसे में भी अच्छा खाना जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है देते हुए शादी कर सकते हैं, ठीक है? शादी के लिए लोन लेना है नहीं लेना, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन शादी के लिए बजट बनाना है, मतलब कि इतना खर्चा होने वाला है उसके लिए तैयारी करना है, ठीक है? क्या क्या खर्चा होना, कैसे बजट बनाना है, आप जानना चाहते हैं तो पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास सैंपल है, नोट्स भेज दूंगा। आप ये करने के बाद में क्या करना है, आपको टीम बनाना है, तो कुछ लोगों से बात करना है जो भरोसेमंद है और आपका मदद करना चाहते हैं, फ्री है, तो उन लोगों के साथ मिलके उनको काम सौंपना है, जिम्मेदारी देना है। तो टीम वर्क करते हुए और प्रार्थना करते हुए शादी का तैयारी करते जाना है, ठीक है?